14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3 बजे सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहा था। काफिले में लगभग 2500 जवान थे। वहीं काफिले का एक वाहन विस्फोटक लेकर जा रहा था जिसमें करीब 40 से ज्यादा जवान मौजूद थे। काफिला हंसी खुशी जा रहा था कि तभी जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी आदिल अहमद डार ने विस्फोटक ले जा रहे वाहन को बस से टक्कर मार दी। वाहन में बैठे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। लेकिन देश ने सिर्फ आंसुओं से जवानों को विदा नहीं किया बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों के हौसले को चकनाचूर कर दिया। जवानों के साहस को इंडिया टीवी सलाम करता है और हादसे में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।